Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about Sandra and Susan Gilbert. So they both are feminists belonging to third wave of feminism and included in literary theory. So let's start. They together wrote a work. इन दोनों ने जो है एक साथ मिलकर एक वर्क लिखा था जिसका नाम है मैड वुमेन इन द एटिक सेमीकॉलन वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरी इमेजिनेशन. सो इन दोनों ने मिलकर एक वर्क लिखा था मैड वुमेन इन द एटिक सेमीकॉलन वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन. सो जिसमें ये बताती हैं कि 19th सेंचुरी की फीमेल राइटर्स की कैसी इमेजिनेशन हुआ करती थी जब वो एक टेक्स्ट को क्रिएट करती थी. सो इस वर्क का नाम जो है उन्होंने शार्लेट ब्रॉन्ट की जेन आयर से लिया है. सो टाइटल ऑफ दिस बुक वॉज टेकन फ्रॉम शार्लेट ब्रॉन्ट्स जेन आयर की जो कि शार्लेट ब्रॉन्ट द्वारा लिखी गई है उसी से ये टाइटल लिया गया है मैड वुमेन इन द एटिक सेमीकॉलन वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन. जिसमें आपको पता होगा कि अगर आपने जेन शार्लेट ब्रॉन्टे की जेन आयर को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें एक करेक्टर था रोचेस्टर नाम का एंड उनकी एक वाइफ थी बर्था मेसन. सो इट वॉज देयर रेज शोन थ्रू द फिगर ऑफ अ मैड वुमेन कि वो जो थी बर्था मेसन जेन आयर में एज अ मैड वुमेन दिखाई गई थी. सो वो मैड वुमेन क्या सिंबलाइज करता है कि वुमेन का गुस्सा मतलब वुमेन का मैन के प्रति गुस्सा जो उन्हें पागल होने पर मजबूर कर देता है. सो इट वॉज द रेज शोन थ्रू द फिगर ऑफ मैड वुमेन. शी वॉज सीक्रेटली लॉक्ड इन एन एटिक अपार्टमेंट बाय हर हस्बैंड कि बर्था मेसन को रोचेस्टर ने चुपचाप जो है एक एटिक अपार्टमेंट में लॉक करके रख दिया था एंड जो कि वो बंद रही तो वो क्या हुआ पागल हो गई थी. शी बिकम्स मैड लेटर बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस टॉर्चर कि लेटर बाद में जो है वो मेंटली वीक हो गई जिसके कारण कंटिन्यूस टॉर्चर उन्हें दिए गए और फिर वो मैड हो गई बर्था मेसन. तो मैड वुमेन इन एटिक प्रेजेंस एनालिसिस ऑफ 19th सेंचुरी लिटरेचर कि मैड वुमेन इन एटिक जो कि सूजन एंड सैंड्रा गिलबर्ट द्वारा लिखा गया है वो वर्क जो है एनालिसिस देता है 19th सेंचुरी की लिटरेचर की कैसे लिटरेचर हुआ करती थी 19th सेंचुरी में. दे प्रपोज दैट ऑल फीमेल करेक्टर्स इन मेल ऑथर्स नॉवल्स कैन बी करेक्टराइज आइदर एज एन एंजल और अ मॉन्स्टर कि वो बताते हैं कि मेल ऑथर्स जो टेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो है फीमेल को पोर्ट्रे किया गया है कि या तो फीमेल जो होती है एंजल होती है या फिर मॉन्स्टर होती है. मॉन्स्टर यानी कि या तो सेंशुअस फीलिंग्स होती है यानी उनके अंदर जो है एक्सेसिव सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पाने की लस्ट होती है और रिबेलियस भी होती है एंड साथ ही साथ जो है अनकंट्रोल्ड करेक्टर होता है. सो इस तरह से जो है मेल ऑथर्स फीमेल करेक्टर्स को अपने वर्क्स में पोर्ट्रे करते हैं. सो इसको जो है सूजन एंड सैंड्रा गिलबर्ट हाईलाइट कर रही हैं. देन 19th सेंचुरी फीमेल राइटर्स कैरीड अ लॉट ऑफ रेज एंड फ्रस्ट्रेशन. सो इसके कारण क्या हुआ मेल्स जो है उन्हें नेगेटिव मेल ऑथर जो है उन्हें नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करते थे फीमेल्स को. तो सैंड्रा गिलबर्ट एंड सूजन गिलबर्ट लाइमलाइट में लाती है कि 19th सेंचुरी फीमेल राइटर्स जो थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और फ्रस्ट्रेशन था अबाउट द वर्ल्ड दे लिव इन कि वो किस वर्ल्ड में रह रही है किस वर्ल्ड में जी रही हैं एंड प्रीडोमिनेंटली द मेल लिटरेरी ट्रेडिशन एंड वो उस वर्ल्ड में रह रही है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल्स का डोमिनेंस है. दे ट्राई टू एंटर दे वर अपसेट बाय द मेल लिटरेरी ट्रेडिशन कि जो फीमेल्स जो है 19th सेंचुरी फीमेल राइटर्स बहुत ज़्यादा अपसेट है कि जिस वर्ल्ड में वो रह रही है उस वर्ल्ड में जो है ज़्यादा मेल लिटरेरी डोमिनेंस है कि मेल्स जो है मेल ऑथर जो है वही वर्क्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं फीमेल्स को राइट नहीं है. तो वो इस वुमेन्स जो है फीमेल राइटर्स 19th सेंचुरी की इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी. दे वॉन्टेड टू पुट देयर रेज आउट बिकॉज ऑफ दिस विच दे मेड फिगर्स लाइक मैड वुमेन
कि मतलब वो जो है अपना गुस्सा निकालना चाहती थी मेल्स मेल ऑथर्स के प्रति, या फिर उस सोसाइटी में जो मेल्स रहते हैं जो कि जिन्होंने जो पूरा डोमिनेंस जो है जमा रखा है अपना वर्ल्ड में, तो वो जो है अपना रेज गुस्सा दिखाना चाहती थी मैड वुमेन का करेक्टर को क्रिएट करके। सो 19th century की फीमेल राइटर्स जो थी वो मतलब उनको जो था मेल्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, तो वो डायरेक्टली मतलब मेल से रिवोल्ट ना करके मतलब फिगर्स ड्रॉ करती थी मैड वुमेन का, जिससे वो जो है अपनी रेज मैन के प्रति निकाल सकें। देन जेन एंड बर्था आर वेरी सिमिलर, सो वो हाईलाइट करती हैं, सूजन एंड सेंड्रा गिलबर्ट वो हाईलाइट करती हैं कि जेन और बर्था मेसन दोनों जो है दोनों की फीलिंग्स जो है एकदम सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि जेन पोजेसेस पैशन एंड रिबेलियसनेस, कि अगर आपने शार्लेट ब्रॉन्टे की जेन आयर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जेन जो करेक्टर थी उसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी थी और साथ ही साथ रिबेलियस भी थी। एक्टिंग आउट एज अ चाइल्ड हु इज़ रिफ्यूजिंग टू सबमिट टू द पोजिशन ऑफ इन्फीरियरिटी टू द मैन इन हर लाइफ, कि मतलब जेन जो है वो रिफ्यूज़ कर रही थी कि मतलब जो उसकी जो पोजीशन है इन्फीरियरिटी की पोजीशन जो उस टाइम वुमेन को दी, मतलब जब उस टाइम वुमेन को जो है इन्फीरियर मतलब फील करवाया जाता था, सो जेन जो है इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रही है। देन एंगर इन बर्था इज़ आल्सो देयर इन जेन आयर, जैसे आप देखते हैं कि बर्था के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एंगर था, रिबेलियसनेस थी, रेज था, गुस्सा था, और वही हमने जो है जेन आयर में भी देखा, जेन आयर को भी गुस्सा था मेल्स के प्रति। देन मैड वुमेन इन द एक्टिंग इज़ अ रेवोल्यूशनरी वर्क, कि ये जो वर्क है सेंड्रा एंड सूजन गिलबर्ट द्वारा क्रिएट किया गया मैड वुमेन इन द एटिक वर्क, ये बता मतलब ये एक तरह का रेवोल्यूशनरी वर्क है जो कि क्रांति लेकर आया, मतलब इसने अवेयर किया बहुत सारी वुमेन्स को कि तुम लोग सब फाइट करो, रिबेल करो, क्योंकि ये जो थे रेडिकल फेमिनिस्ट थे थर्ड वुमेन, क्योंकि ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म से बिलोंग करते थे, तो सेंड्रा एंड सूजन गिलबर्ट जो थे रेडिकल फेमिनिस्ट थे, जो कि एक इन्होंने रेवोल्यूशनरी वर्क को क्रिएट किया जिसका नाम है मैड वुमेन इन द एटिक, जिससे क्या हुआ काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स जो है बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगी अपनी राइट्स के बारे में, मतलब अवेयर होने लगी एंड वो समझने लगी कि मतलब मेल्स उन्हें किस तरह से जो है सप्रेस कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं। सो मैड वुमेन इन द एटिक इज़ अ रेवोल्यूशनरी वर्क बिकॉज सूजन एंड सेंड्रा शो दैट लिटरेचर रिटन इज़ नॉट एबनॉर्मल, कि मतलब इस वर्क के थ्रू ये पॉसिबल हो जाता है कि इस वर्क के थ्रू सूजन एंड सेंड्रा गिलबर्ट ये प्रूव कर देती है कि वुमेन द्वारा लिखा हुआ वर्क कभी भी एबनॉर्मल नहीं हो सकता। सूजन एंड सेंड्रा शो दैट लिटरेचर रिटन इज़ नॉट एबनॉर्मल, कि मतलब जो ये वर्क है सूजन एंड सेंड्रा गिलबर्ट द्वारा लिखा हुआ मैड वुमेन इन द एटिक, इस वर्क के थ्रू जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ये प्रूव किया इस वर्क ने कि एक लिटरेचर जो कि वुमेन राइटर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई है वो अब जो है एबनॉर्मल नहीं समझी जा सकती। देन न्यू वेव ऑफ एप्रिसिएशन फॉर वर्क्स ऑफ फीमेल राइटर्स बिगिन, कि मतलब एक ऐसी वेव आ गई जिसमें जो है फीमेल के वर्क्स को भी जो है एप्रिशिएट करना मतलब एप्रिसिएशन मिला। सो कॉन्सिक्यूटिवली द वर्क्स ऑफ फीमेल फेडेड इन टू द एब्लिवियन विच इज़ इग्नोर्ड नॉट रीड, देयर वर्क्स आर नाउ बींग रेड, मतलब आपने देखा होगा कि पहले जो है फीमेल के वर्क्स को इग्नोर किया जाता था, उनका वर्क जो है पढ़ा नहीं जाता था, उसे नॉनसेंस समझा जाता था एंड उसे रीड भी नहीं किया जाता था। मतलब अब 19th century में लोग मतलब फीमेल राइटर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अवेयर होने लगी, वो पढ़ने लगी, अच्छे अच्छे टेक्स्ट को जो है क्रिएट करने लगी, और बाकी ज़्यादा धीरे धीरे जो है मतलब बाकी सारी वुमेन्स को भी इंस्पायर करने लगी। तो फिर उन्होंने जो है एक ऐसा मतलब टेक्स्ट प्रोड्यूस किया जो कि अब जो है उनके टेक्स्ट लिटरेचर जो उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई है उसे एबनॉर्मल नहीं समझा जाता था, उनके वर्क को अब सीरियसली रीड किया जाने लगा था एंड देयर सिग्निफिकेंस एंड वुमेन राइटर्स की जो है इम्पोर्टेंस भी जो है रिकॉग्नाइज की गई, समझी गई। एंड नाउ वो बताती हैं मतलब पास्ट की वुमेन्स के वुमेन राइटर्स के बारे में बताती हैं सेंड्रा एंड सूजन गिलबर्ट की एक ये जो मतलब एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप
रिमेंबर दिस फ्रेंड्स, एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप का जो है इस वर्क में वो यूज़ करती हैं, मैड वुमेन इन द एटिक वर्क में वो एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप के बारे में हाईलाइट करती है, कि वो बताती हैं कि ऑल 17th सेंचुरी वुमेन राइटर वर लैकिंग एनी लेजिटिमेट रोल मॉडल, कि वो बताती हैं कि जो 17th सेंचुरी में रहने वाली वुमेन राइटर्स थी वो जो है लेजिटिमेट रोल मॉडल्स में लैक करती थी। दे होल्ड पेन, मतलब वो पेन मतलब पेन के थ्रू लिखा करती थी। देर वॉज नो बडी दे कैन लुक अप टू, बट उनके वर्क को कोई नहीं था जो कि मतलब उनके वर्क को सीरियसली रीड करे। राइटर्स एबल टू सफ़र एन्जाइटी, एंड फिर उस टाइम क्या होने लगा कि वो राइटर्स जो है जब उनके वर्क कोई सीरियसली नहीं लिया जाता था और कोई उनको मतलब देखने वाला नहीं था उनके वर्क को, तो क्या हुआ एक तरह की जो उनके अंदर फीलिंग आने लगी एन्जाइटी की, और फिर जो है उनसे जो है उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन होता चला गया और वो जो है एक अच्छा वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाई 17th सेंचुरी की वुमेन राइटर्स। राइटर्स एबल टू सफ़र एन्जाइटी एंड नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड वर्क। सेंड्रा एंड सूजन गिलबर्ट बोथ वर जस्टिफाइंग वाई वुमेन मैड वुमेन कैरेक्टर्स वर टेकन अप बाई द 19th सेंचुरी राइटर्स। तो इस वर्क के थ्रू, मैड वुमेन इन द एटिक वर्क के थ्रू जो है सेंड्रा एंड सूजन गिलबर्ट ये दोनों फीमेल फेमिनिस्ट राइटर्स जस्टिफाई करती है कि 19th सेंचुरी फीमेल राइटर्स जो है अपना मतलब जब भी एक टेक्स्ट को क्रिएट करती थी तो क्यों वो मैड वुमेन करेक्टर्स मतलब ऐसे करेक्टर्स को मतलब क्रिएट करती थी जो कि मैड वुमेन हो, क्योंकि मैड वुमेन मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो इसलिए फीमेल राइटर्स 19th सेंचुरी के मैड वुमेन का करेक्टर इसलिए क्रिएट करते थे ताकि वो अपनी रेज को शो कर सके कि मतलब उनके अंदर कितना गुस्सा है मैन के प्रति, कि कैसे उन्हें जो है नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे कर रहे हैं। सो इसलिए जो है मैड वुमेन करेक्टर्स वर टेकन अप बाय द 19th सेंचुरी। सो मतलब सेंड्रा एंड सूजन गिलबर्ट जस्टिफाई कर रही हैं कि क्यों उस टाइम पर फीमेल राइटर्स मैड वुमेन का करेक्टर क्रिएट कर रही थी ताकि वो अपनी रेज को मैन के प्रति जो रेज है उनकी गुस्सा है उसे शो कर सके। There is a difference between angel and monster creature. This line between angel and monster blurred during 19th century. कि मतलब जब males male author जो है जब भी work create करते थे तो मतलब उस time जो है वो females को जो है अपनी मतलब अपनी समझ के through जो है उन्हें monster create करते थे, और या फिर घर की एंजल जो कि सिर्फ सबमिसिव हो और मतलब अपने घर का ध्यान रखती हो तो उन्हें एंजल बोला जाता है। घर की एंजल सिर्फ अपने हस्बैंड का ध्यान रखना, उनकी नीड्स को मतलब सेक्सुअल नीड्स को ग्रेटिफाई करना एंड अपने बच्चों का ध्यान रखना, फैमिली को संभालना, तो इसे जो है एंजल बताया गया। और मॉन्स्टर उन वुमेन मतलब मेल राइटर्स जो है मॉन्स्टर उन वुमेन्स को बताते थे जो कि रिबेलियस थी, जिनके अंदर जो है रेज था, सो उन्हें मॉन्स्टर बताया गया है। सो अब जो है डिफरेंस समझ में आता है। अब जो है मतलब ये जो डिफरेंस जो मेल ऑथर्स क्रिएट करते थे 19th सेंचुरी के बाद जो है एकदम ब्लर होने लगा, क्योंकि जो है फीमेल राइटर्स जो है अब एक अच्छा वर्क क्रिएट करने लग गई थी और उनके वर्क को सीरियसली पढ़ा जाता था, और साथ ही साथ जो है उनके वर्क्स को अब रिकॉग्निशन मिलने लगा 19th सेंचुरी के मतलब इनिशियल ईयर्स में। सो फ्रेंड्स मतलब UGC नेट में इनके इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट एलेन शो वॉल्टर, रिमेंबर दैट कि एलेन शो वॉल्टर और सेंड्रा गिलबर्ट ये दोनों जिम्नोक्रिटिक्स हैं, GYNO क्रिटिक्स हैं, एंड ये जो है फीमेल वर्क्स को मतलब एनालाइज फीमेल राइटर्स के वर्क्स को एनालाइज करती थी, इसलिए इन्हें इन दोनों को बोला जाता है एलेन शो वॉल्टर एंड सेंड्रा गिलबर्ट को गाइनो क्रिटिक्स। सो इसी के साथ फ्रेंड्स ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।